मीडिया 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 आजकल हर जगह ये लफ्ज आपको सुनने में आता है और आज मैं आपको दोबारा ये लफ्ज़ सुनने पे मजबूर करूंगा बिकॉज नाउ वी आर इन अ टॉपिक विच इज अबाउट सेटिंग्स बट फॉर मीडिया क्या आपको याद है कि मीडिया सेटिंग्स क्या है या मीडिया सेटिंग्स कैसे काम करती हैं आई मैंशन मीडिया टू यू वंस बट दैट वॉज कॉल्ड अ मीडिया लाइब्रेरी मीडिया लाइब्रेरी क्या होती है इट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन स्टोर अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट एंड दैट कॉन्टेंट हैज़ रूल्स एंड बिकॉज दैट कॉन्टेंट हैज़ रूल्स इसीलिए हम मीडिया की सेटिंग्स को सीखने जा रहे हैं हम देखने जा रहे हैं कि कैसे मीडिया की सेटिंग्स को हम मैनेज कर सकते हैं हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सेटिंग्स के बारे में दोबारा बताता चलूं कि दिस इज द ब्रेन ऑफ वर्ड प्रेस दिस इज द पार्ट वेर यू विल बी एबल टू तो मैनेज एवरीथिंग अबाउट वर्ड प्रेस ऑनेस्टली सेटिंग्स का एरिया वैसे तो आप रोज रोज एक्सेस नहीं करेंगे बट जब भी आप एक्सेस करेंगे इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो एग्जैक्टली वट टू डू ये बिल्कुल आपकी एक समझ लें जिस तरह एक गाड़ी होती है कि गाड़ी का इंजन पड़ा हुआ है और गाड़ी के इंजन को आपने रोज देखना तो नहीं है बट जब भी आपने इंजन को खोलना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप खुद सही तरह से नहीं समझ सकते इस एरिया को तो यू कैन ऑलवेज आस्क एन एक्सपर्ट इट कुड बी अ फ्रेंड इट कुड बी अ फैमिली मेम्बर इट कुड बी एनी वन इन योर सर्कल टू नोज कि ये क्या चीज़ हो रही है बिकॉज दिस इज़ द ब्रेन ऑफ वर्ड ब्रेस यू नॉट अंडर एस्टिमेट द सेटिंग एरिया आई कैनॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस मैंने ये बहुत बार पहले आपको बार बार चीज़ कही हुई है बट बीवेयर क्योंकि अगर आप इसमें किसी भी तरह की गलत कन्फिग्रेशन करेंगे आपकी साइट बैठ जाएगी और जब आपकी साइट बैठ जाएगी तो आप भी बैठ जाएंगे आप बैठ जाएंगे तो पूरी कम्युनिटी भी बैठ जाएगी और कोई भी पैसे नहीं बनाएगा एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू लर्न हाउ वी कैन मेक मनी एंड एट द सेम टाइम हाउ वी कैन लर्न टुगेदर एंड हाउ वी कैन ग्रो दिस कम्युनिटी टुगेदर सेटिंग्स को आराम से सोचें समझें दोस्तों के साथ डिस्कस करें बैठें फिर इस पे अमल करें अब बात करते हैं मीडिया सेटिंग्स के बारे में क्या है मीडिया सेटिंग मैंने मैं आपको बताया अभी कि मीडिया सेटिंग्स इज द एरिया थ्रू विच यू कैन एडिट सेटिंग्स फॉर द मीडिया लाइब्रेरी मीडिया लाइब्रेरी कैसे बिहेव करती है उसके ऊपर इमेज क्या हैं सो द मीडिया सेटिंग्स डिफाइन द डिफॉल्ट इमेज साइज दैट आर क्रिएटेड वेन इमेज इज अपलोडेड वर्ड पे क्या होता है जैसे ही जैसे वर्ड प्रेस आप एक इमेज अपलोड करते हैं वर्ड प्रेस थ्रू इट्स मशीन लर्निंग सीज के इस इमेज के कौन कौन से पोर्शंस बनाने कौन कौन से सेगमेंट्स बनाने कौन कौन से साइजेस बनाने एंड बेस्ड ऑन दो साइज़ेस, इट प्रोवाइड्स यू द ऑप्शन आप इमेज को लार्ज सिलेक्ट कर सकें स्मॉल सेलेक्ट कर सकें सो इन मीडिया सेटिंग्स में यू कैन चेंज दी साइजिज आपने देखा होगा कि जो थमनेल है वो हमेशा स्क्वेयर होता है वो स्क्वेयर क्यों होता है बिकॉज यू डिफाइन इट इन सेटिंग्स कि मुझे ये मीडिया थमनेल इस साइज का चाहिए अगर आप मीडिया थमनेल की सेटिंग्स को चेंज करेंगे तो यू कैन ऑल्सो गेट थमनेल्स ऑफ डिफरेंट साइजिस यू कैन ऑल्सो कन्फिगर वेदर योर अपलोडेड मीडिया फाइल्स आर स्टोर्ड इन फोल्डर्स बेस्ड ऑन द ईयर एंड मंथ ऑफ द अपलोड भाई अगर आप चाहते हैं कि आप ये डिफाइन कर दें कि जो मेरी मीडिया अपलोड्स हैं उनको मंथ बाय मंथ कैटेगरी में अपलोड कर दें स्टोर कर दें वो भी आप इसी प्लेटफॉर्म जो कि सेटिंग्स का प्लेटफॉर्म है उससे आप कर सकते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस एरिया अलाउज यू टू मेक ऑल दीज चेंजेस विच आर गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल टू हाउ इमेजेस वर्क और साथ ही साथ इट्स नॉट जस्ट अबाउट इमेजेस मीडिया लाइब्रेरी में मैंने आपको बताया था बहुत सारी और चीजें भी अपलोड हो सकती हैं क्या क्या रिमाइंड कराए मुझे सबसे पहले इमेजेस इमेजेस और वन इमेज इज वर्थ मोर देन अ थाउजेंड वर्ड्स इमेजेस मेक वेबसाइट्स ब्यूटीफुल दे मेक वेबसाइट्स विजुअल और इसीलिए ये वो एरिया है जिस तो आप इमेजेस को एडिट कर सकते हैं देर आर अ फ्यू प्लग विच विल ऑल्सो गिव यू दर्चुनिटी टू एनहैंस द मीडिया सेटिंग्स टू एडिट थिंग्स लाइक ऑडियो वीडियो बट बाई डिफ़ॉल्ट आप सिर्फ यहाँ पर इमेज ही की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं सो so, दो मेजर सेटिंग्स हैं इधर एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इमेज के डिफरेंट साइज़ को चेंज कर सकते हैं और आप अपलोडेड फाइल्स के ऑर्गेनाइज फोल्डर स्ट्रक्चर को यहाँ चेंज कर सकते हैं

कि आप सेटिंग्स को सही तरह से कंफिगर करें ताकि आपकी वर्ड की साइट ऑप्टिमाइज रहे और ज्यादा स्पेस और ज्यादा बैंडविथ यूज ना हो क्या करते हैं अब हम अब हम चलते हैं लाइव ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ये जो फाइल्स हैं ये कैसे अपलोड हो रही हैं ये कहां अपलोड हो रही हैं एंड हाउ वी कैन चेंज दैम इन सेटिंग्स सो अब देखते हैं कि वर्ड प्रेस इमेजेस को अपलोड कैसे करता है सबसे पहले मैं जाऊंगा गूगल पे और मैं एक इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान से रिलेटेड इमेज डाउनलोड करूँगा तो आई थिंक दिस इमेज इज रियली ब्यूटीफुल। तो मैं क्या करता हूँ आई विल जस्ट डाउनलोड दिस एंड सेव दिस अब मैं जाऊँगा अपनी वर्डप्रेस साइट पर और मैं मीडिया लाइब्रेरी पे इस इमेज को अपलोड करने की कोशिश करता हूं अब आप देख रहे हैं ये इमेज अपलोड हो गया है सो एल गो टू माई लाइब्रेरी एंड एल क्लिक ऑन द इमेज सो यू कैन सी दिस इमेज हैज बीन अपलोडेड हियर बट समथिंग इंटरेस्टिंग दैट वर्ल्ड प्रेस डजेंट शो यू इज फॉर एवरी इमेज इट अपलोड इट अपलोड फाइव डिफरेंट सेपरेट इमेजेस जो कि डिफरेंट साइजेस के, के हैं इसको लाइव दिखाने के लिए आई एल क्रिएट ए न्यू पोस्ट इन एड मीडिया करके अब आप देखें कि इस इमेज को मैं सिलेक्ट करूंगा अगर मैं इसका थंबनेल सेलेक्ट करूं, तो वो छोटे साइज में आएगा अगर मैं इसका मीडियम साइज सेलेक्ट करूं, तो वो किसी और साइज में आएगा दिस शोज यू कि वर्ड प्रेस अपलोड्स मीडिया फाइल्स इन डिफरेंट साइजेस। अच्छा जैसे अब मैंने आपको भी दिखाया कि पोस्ट में डिफरेंट इमेज के साइजेस हैं सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू सेटिंग्स मीडिया एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फाइल साइजे आपको नजर आ रहे हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं आई कैन चेंज देम इफ आई वॉन्ट अगर मुझे थमनेल अपना बड़ा चाहिए मुझे साइजेज उसके चेंज करने एनी थिंग डेट आई वॉन्ट आई कैन चेंज इट हियर तो मैं आपके सामने ये करता हूँ कि मैं थमनेल का साइज चेंज कर देता हूँ मैं कहता हूं कि मुझे अपना थमनेल बहुत ही छोटा चाहिए फिफ्टी पिक्सल बाय फिफ्टी पिक्सल क्लिक ऑन सेव चेंजेस एंड आई एल ट्राई टू एट द सेम इमेज अगेन आई एल गो टू अ पोस्ट एड मीडिया पर मैं जाऊंगा मैं पुराने इमेज को डिलीट कर रहा हूं और मैं आपके सामने अब एक नया इमेज करने लगाऊ अपलोड विद द न्यू सेटिंग्स तो जैसे ही मैं ये न्यू सेटिंग्स के साथ इमेज को अपलोड करूंगा थमनेल नाव सेज कि 50 बाय 33 का उसने एक थमनेल क्रिएट कर दिया क्लिक ऑन इंसर्ट पोस्ट एंड हाई यूल सी कि वो चुन्ना मुन्ना सा छोटा सा जो थंबनेल है वो वहाँ पे आ गया सो so सेटिंग से मैं इसको इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ चेंज कर सकता हूँ आई वुड इंकरेज यू टू डू दिस एज वेल दोबारा जाते हैं सेटिंग्स मीडिया पे और यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है वो है ऑर्गेनाइज माई अपलोड इन टू मंथ एंड ईयर बेस फोल्डर्स आई वुड हाईली सजेस्ट कि अपनी साइट को ऑप्टिमाइज रखने के लिए आप इसको इनेबल रखें एक और प्लग है जिसका नाम है ऑटो जनरेट थमनेल्स इस प्लगइन के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यह प्लगइन आपको अलाउ करेगा टू क्रिएट थंबनेल्स ऑफ ओल्ड पोस्ट्स या पुरानी इमेज लाइब्रेरी में से आप थंबनेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द न्यू सेटिंग्स दैट यू हैव डन ये याद रखिएगा जब आप सेटिंग्स अपलोड करते हैं सो रेट्रोस्पेक्टिवली सेटिंग्स नहीं अपलाई होती पुरानी पोस्ट या इमेज पे सेटिंग्स आर नॉट अपलाइड दे आर ओनली अपलाईड टू फ्यूचर इमेजेस सो यूजिंग दिस प्लग इन यू कैन एक्चुअली री जनरेट थर्मिनल्स दिस वॉज द फोकस ऑफ आर लेसन टू टीच यू हाउ टू यूज द मीडिया सेटिंग्स क्योंकि इन सेटिंग्स की वजह से आप अपनी वेबसाइट पर चार चांद लगा सकते हैं कीप लर्निंग विद एस बी ए पार्ट फॉर कम्युनिटी एंड कीप शेयरिंग ऑल दैट कम्स टू यू जो भी क्वेश्चन आपके जेन में हैं कोई कॉमेंट्स हैं सजेशंस हैं ताकि हम मिल के आगे बढ़ सकें